गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम नए टॉपिक की बात करेंगे, नए चैप्टर की बात करेंगे, यूनिट फोर जो है हमारे पास वो है योगा। यानी कि योग क्या है इसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पूरी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी कि योग की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई और ये कैसे किया जाता है, इसकी क्या हेल्पफुल है, क्या बेनिफिशियल है हमारे लिए, क्यों किया जाना चाहिए, कितने प्रकार का होता है, वो सारी बातें हम इसके अंदर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि योग व्हाट इज योग। तो यहाँ पर हमने देखा है, यहाँ पर सबसे पहले योगा के बारे में जान लें कि आया कैसे है, कहाँ से है इसकी उत्पत्ति। तो योग इज द मेन पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर, यानी कि भारतीय धरोहर है रही है। ठीक है, ये भारतीय धरोहर है यानी कि इंडियन कल्चर है, भारतीय संस्कृति का एक मेन पार्ट है जिसे हम योग। ठीक है, द अवेलेबल एविडेंस यानी कि जो हमारे पास जो प्राप्त साक्ष्य है यानी कि एविडेंस जो है, शो दैट हिस्ट्री ऑफ योगा इज रिलेटेड टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसके आधार पर ये बताते हैं कि सबसे पहले जो योग की उत्पत्ति या फिर योग की जो शुरुआत हुई है वो ये हुई है इंडस वैली सिविलाइजेशन के यहाँ पर हुई है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के वहां पर इस योग की शुरुआत हुई। एट दैट टाइम पीपल यूज टू डू योगा, और उस समय यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग योग किया करते थे। क्योंकि इसके हम इसलिए बता सकते हैं क्योंकि जब ये सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक्सक्लेरेशन किया गया यानी कि उत्खनन किया गया, तब वहां पर हमें इस प्रकार की मूर्तियां प्राप्त हुई जो हाथ जोड़े हुए थी, मुद्रा अवस्था में बैठी हुई थी, इस प्रकार की मूर्तियां वहां से प्राप्त हुई, जिस आधार पर कहा जा सकता है कि उस जमाने के जो लोग थे वो उस टाइम पर योग किया करते थे। और ये जो योग की शुरुआत हमें यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के यहाँ पर मानी गई है। योग इज आल्सो मेंशन इन महाभारत रामायण एंड उपनिषद, योग को महाभारत के अंदर, रामायण के अंदर और उपनिषद के अंदर ऋषि महर्षियों द्वारा भी वहां पर बताया गया है, और ऐसा हमें देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है, उन बड़े बड़े ग्रंथों में ऐसा मिलता है। ठीक है, यहाँ पर उपनिषद का मतलब क्या होता है, उपनिषद को मैंने यहाँ पर लिखा है आपके सामने ब्रैकेट में कि ए लेटर स्क्वेयर टेक्स्ट, यानी कि हिंदुओं का एक टेक्स्ट ऑन हिंदुइज्म, यानी कि हिंदुओं का एक पवित्र पत्र। ठीक है, एक पवित्र पत्र ऑफ ए मिस्टिकल नेचर डीलिंग विद मेटाफिजिकल क्वेश्चंस, जो कि एक रहस्यवादी मेटाफिजिकल क्वेश्चंस में रहस्यवादी जो भौतिक तत्व होते हैं उनके ऊपर ये डील करता है। यानी कि यूं मान लीजिए कि वो अदृश्य शक्तियों के बारे में इसमें लिखा गया है जिसे हम उपनिषद कहते हैं। ठीक है, तो इस उपनिषद के अंदर भी ये कहा गया है कि वहां पर जो रहस्यवादी शक्तियां थी उसके अंदर भी योग को मेंशन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि पतंजलि आल्सो रोट अबाउट योगा इन 147 बीसी, यानी कि 147 बीसी बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व के जन्म से के पहले, यानी कि पतंजलि जो एक ऋषि थे, महर्षि पतंजलि जो ये ऋषि है, इन ऋषियों द्वारा ये योग लिखा गया था। ठीक है, इवन कबीर तुलसीदास सूरदास हैज मेंशन अबाउट योगा इन देयर राइटिंग्स, और अपने अपने ग्रंथों में, अपने अपने काव्य शास्त्रों में इन तुलसीदास, कबीरदास और सूरदास ने भी योग के बारे में लिखा है। ठीक है, इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि योग जो है वो इंडियन कल्चर है, यानी कि भारतीय संस्कृति का एक मेन पार्ट रहा हुआ है, या फिर यूं माने कि भारतीय धरोहर मान सकते हैं योग को। ठीक है, अब हम बात करते हैं, योग इज डिराइव्ड फ्रॉम ए संस्कृत वर्ड, योग एक प्रकार संस्कृत शब्द से आया हुआ है, और संस्कृत शब्द में योग को युज के नाम से पुकारा जाता था, और इस युज का मतलब होता है यूनिटी यानी कि एकीकरण या फिर एकता या फिर जोड़। ठीक है, योग इज, और योग की अगर हम डेफिनेशन जाने कि व्हाट इज योग की डेफिनेशन जाने तो योग इज द यूनिफिकेशन, यूनिफिकेशन का मतलब होता है एकीकरण या फिर एक सम या फिर एक जोड़। ठीक है, यूनिफिकेशन ऑफ आत्मा विद परमात्मा, यानी कि आत्मा का परमात्मा के साथ में एकीकरण होना या एक साथ सम्मिलित होना या मिलना क्या कहलाता है, योग कहलाता है। मीन्स यूनिफिकेशन मतलब ये कि यूनिफिकेशन ऑफ
फिजिकल, आपका फिजिकल भी आज परमात्मा के साथ में मिलना, मेंटल इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल एसेट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, वो सारे गुण जो शरीर शारीरिक दिमाग ज्ञानात्मक जो भी है और इंटेलेक्चुअल स्पिरिचुअल, वो सारे के सारे गुण परमात्मा के साथ में मिल जाना, वो ऐसी स्थिति जब हो जाए तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, योग के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये समझ में आ गया कि ये इंडियन कल्चर का मेन पार्ट है और इस योग की जो हिस्ट्री है और कुछ हिस्ट्री जो हमने पढ़ी है उस आधार पे हम कहा जा सकते हैं कि योग जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले अपनाया गया और उनकी जो वहां पर जब उत्खनन किया गया, एक्सप्लोरेशन किया गया, वहां जब खोदा गया ये चीजें, तो वहां पर कुछ ऐसी मूर्तियां मिली जिस आधार पर कहा जा सकता है कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के वहां पर ये योग किया जाता था या उस जमाने के लोग योग भी किया करते थे। और यूं कहें कि भारतीय कल्चर एंड संस्कृति क्यों कहा गया, किस आधार पे कहा गया, वो यूं माने कि योग को महाभारत रामायण और उपनिषद के अंदर भी प्रयोग में लिया गया और हमने ये चीज पढ़ा है। ठीक है, और ये चीज महाभारत में भी योग के बारे में लिखा है, रामायण में भी योग के बारे में लिखा है, उपनिषद के बारे में अंदर भी योग के बारे में लिखा है, इसलिए हम कहा जा सकता है कि ये योग इंडियन कल्चर का एक मेन पार्ट है। अगली बात करते हैं कि पतंजलि, जो महर्षि पतंजलि थे, जो भारत हमारे भारत के जो महर्षि पतंजलि थे, इन्होंने योग के बारे में लिखा और कब लिखा, वो 147 BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट में लिखा। और इवन इनके साथ साथ कबीर, तुलसीदास और सूरदास ने भी अपने अपने ग्रंथों में और काव्य शास्त्रों में योग के बारे में लिखा, इसलिए हम योग को इंडियन कल्चर का एक मेन पार्ट मानते हैं। और योग का मतलब क्या होता है, यूनिफिकेशन ऑफ आत्मा विद परमात्मा, यानी कि आत्मा का परमात्मा के साथ में मिलन, ठीक है, क्या कहलाता है, योग कहलाता है। नोट कीजिए, भगवद गीता समझाती है कि एक आत्मा दिमाग से भी परमात्मा के साथ योग लगा सकती है, इसे राजा योग कहते हैं, क्योंकि दिमाग या मस्तिष्क सब इंद्रियों का राजा है। एक मनुष्य अपनी आस्था, सांस प्रणाली, आसन, अभ्यास, साधना और तपस्या से परमात्मा को इस योग के रास्ते पा लेता है।